नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं हेल्थ इंडिया, जहां हम बात करते हैं आपके और हमारे सेहत के बारे में। माइग्रेन विश्व की सबसे सामान्य बीमारियों में से एक है, साथ ही यह दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाले न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है। इससे पीड़ित लोगों को लगातार सिर दर्द की परेशानी होती है। आंकड़ों के मुताबिक इससे जूझने वाले 20% लोग सिर दर्द रोकने के लिए ओपिओइड नामक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो दवाइयों के बिना भी माइग्रेन का इलाज संभव है। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में प्रकाशित हुई एक रिसर्च में कहा गया है कि माइंडफुल मेडिटेशन और योगा करने से माइग्रेन कम हो सकता है। माइग्रेन रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार दुनिया में 100 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। माइग्रेन सबसे ज्यादा दर्दनाक 18 से 44 की उम्र के बीच होता है। 90% मरीजों में ये बीमारी अनुवांशिक होती है। तकरीबन 40 लाख लोगों को रोज माइग्रेन की शिकायत होती है। माइग्रेन की 85% मरीज महिलाएं होती है। आधे से ज्यादा मरीजों को पहला माइग्रेन अटैक 12 साल की उम्र से पहले आता है। वही रिसर्च में माइग्रेन के मरीजों को दो ग्रुप में बांटा गया है। पहले ग्रुप को इलाज के तौर पर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने को कहा गया। इसमें मेडिटेशन, हठ योग और सांस लेने के पैटर्न पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा उन्हें घर में भी ये प्रैक्टिस करने का सुझाव दिया गया। दूसरे ग्रुप को केवल सिर दर्द के बारे में शिक्षा दी गई। माइग्रेन के हर पहलू के बारे में बताया गया। क्लास के दौरान उनसे सवाल जवाब और डिस्कशन करवाए गए। 8 हफ्तों के इस एक्सपेरिमेंट में ये बात सामने आई कि माइंडफुलनेस बेस्ट इलाज माइग्रेशन अटैक्स को कम करने में कारगर है। लगातार मेडिटेशन और योग करने वाले लोगों में न केवल माइग्रेन बल्कि डिप्रेशन और चिंता भी कम हुई। वहीं दूसरी ओर शिक्षा पाने वाले लोगों की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। आज के दौर में मरीजों को दवाइयों के साथ साथ लाइफस्टाइल में परिवर्तन करने की भी सलाह दी जाती है। अपने रोजमर्रा के जीवन में ये टिप्स फॉलो कर आप घर बैठे माइग्रेन को कम कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को स्वीकार करें। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी पीठ के बल लेट जाएं। आंखें बंद कर अपनी सांस की गति की ओर ध्यान लगाएं। सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को स्कैन करें। आरामदायक पोजीशन में बैठकर आंखें बंद करें और गहरी सांस लें, फिर छोड़ें। यह ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से मन शांत होता है। रोजाना ताजी हवा और अच्छे वातावरण में 30 मिनट तक वॉक करें। चलते हुए अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर दिन 20 से 30 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग और हठ योग करें। आपको बता दें कि अगर हमारे द्वारा दिए गए सलाह को आप अपनाने की चाह रख रहे हैं, तो ध्यान रखें कि ये रिपोर्ट केवल रिसर्च पर आधारित है। हम इस वीडियो के जरिए सामान्य जानकारी प्रदान कर रहे हैं। ये किसी भी तरह से चिकित्सीय सलाह या मेडिकल प्रूवन नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। हेल्थ संबंधित अन्य जानकारी के लिए हेल्थ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ इंडिया के वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।